किसानों की मांगों के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा। देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बातचीत कर रहा है, आगे की रणनीति जल्द बताई जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 4 दिसंबर को एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जो संचार के सभी तरीकों को बदल कर रख देगा। जानकारी के अनुसार नासा के इस मिशन का नाम है लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोंस्ट्रेशन, जिसमें हो सकता है कि आपको इस तरह का स्मार्टफोन मिले जो कि लेजर आधारित संचार प्रणाली पर काम करता हो, या फिर नेविगेशन में मदद मिले ताकि अंतरिक्ष से आने वाले संदेशों में समय कम लगे। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट में डेटा को लेजर के जरिए धरती पर भेजा जाएगा, लेजर के जरिए ही उसे रिसीव भी किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 70% प्रदूषण बाहर से आ रहा है, यहाँ सिर्फ 30% प्रदूषण ही हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के डाटा का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए विश्लेषण को इसका आधार बताया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली एनसीआर के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुला संयुक्त कार्य योजना तैयार करने का निवेदन भी किया है। प्रदेश में अगले सप्ताह मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के मुताबिक 24 या 25 नवंबर को प्रदेश के कुछ भागों में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है, जिसमें कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस मध्य मौसम साफ रहने के साथ साथ ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। घाटी के अधिकांश जिलों में रात्रि के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जम्मू संभाग में सर्दी में वृद्धि हो गई है। फिलहाल इस सप्ताह मौसम साफ रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के प्रदूषण पर चिंता जताई। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले चुनाव तक वो यमुना को साफ कर देंगे, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा खेतों में फसलों के कटने के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। खेतों में बचे फसल अवशेषों को जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को संज्ञान में लेते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को कई इलाकों में हल्के बादल देखने को मिले तो कई इलाकों में हल्की सी धूप भी देखने को मिली। आपको बता दें कि अब दिल्ली की हवा धीरे धीरे सुधर रही है, तो वहीं देखा यह भी जा रहा है कि ठंड कैसे अपना जोर दिखा रही है। आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 347 दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन प्लांट अ डे के संकल्प के क्रम में प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में अवनी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर कचनार और नीम का पौधा रोपा। गत 11 वर्षों से पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही संस्था द्वारा राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में एमपी में लगभग 25,000 पौधे रोपित किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,106 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 459 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तो वहीं एक्टिव मरीज अब कम होकर 1.26 लाख रह गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में देश भर में संक्रमण से 12,789 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,38,97,921 हो गई है। इसी के साथ देश में अब कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.28% हो गई है। आज यानी शुक्रवार को शाम 7 बजे रांची स्थित जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के तहत दूसरे मैच का आयोजन हुआ है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने कहा था कि दिन के समय धूप खिली रहेगी और मौसम भी शुष्क रहेगा, जबकि दिन में हवा की अधिकतम रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। तो वहीं आज शाम को हल्की ओस पड़ने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि शहर में सापेक्षित आर्द्रता का स्तर 94% तक हो सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।